बोले सब लोग याद नहीं है, बोली ना सब लोग। धातु सुतल्पणादि वक्रतुण्डानुशासनम् आगम प्रत्ययात्। ये तो उपदेश है। उपदेश है संज्ञा च परिभाषा च, वो बोल रहा अतिदेशो अधिकारश्च सर्वविदम्। वो तो उपदेश हो संज्ञा च परिभाषा। तो इनमें से जो माहेश्वर सूत्र है ना, क्या है माहेश्वर सूत्र? छह में से कौन सा सूत्र है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा करेगा? प्रत्यय आदिरंतन करता है। उपदेश तो संज्ञा सूत्र कैसे हुआ बताओ ना, कौन सी संज्ञा करेगा? ये प्रत्यर्थ संज्ञा करेगा, ये अण संज्ञा करेगा, ये नहीं करेगा ना। इस संज्ञा करेगा नहीं। के लिए प्रयोजन है, प्रयोजन तो है लेकिन संज्ञा तो नहीं कर रहा है ना। तो क्या मानोगे फिर? छह में से कौन सा है? किस सूत्र नहीं है? संज्ञा सूत्र मानते हैं क्योंकि संज्ञा का प्रयोजन है, प्रयोजक होने से लिख कर रखो है ना। ये जो संज्ञा शास्त्र है ना, संज्ञा शास्त्र हो गया आदिरंतना संहिता, आदिरंतना संहिता, ठीक है ना, ये संज्ञा शास्त्र है। क्यों? तो संज्ञा शास्त्र होने के का संज्ञा शास्त्र का उपकारक है, संज्ञा शास्त्र का उपकारक होने से माहेश्वर सूत्र को संज्ञा सूत्र कहते हैं। हो गया? क्या कहते हैं? हाँ, संज्ञा शास्त्र उपकारकत्व न संज्ञा सूत्रम। हो गया? संज्ञा शास्त्र का उपकारक, संज्ञा शास्त्र उपकारकत्व न संज्ञा सूत्रम। कौन संज्ञा सूत्र हुआ? हाँ ठीक है। तो संज्ञा में शक्ति रहती है, संज्ञी को बोध करने की शक्ति कहाँ रहती है? संज्ञा में रहती है, बराबर है। अणादि संज्ञा कहेंगे, अण है, अच है, अल है, हल है ना। जैसे घट शब्द में शक्ति रहती है, घट अर्थों को बोध कराने की शक्ति, बराबर है, क्या शक्ति रहती है, अपने अर्थों को बोध कराने की शक्ति शब्द में रहती है, ठीक है ना। इसलिए जो अनादि संज्ञा है, संज्ञा निष्ठ जो शक्ति है ना, उस शक्ति का बोधक होता है ये माहेश्वर सूत्र। शक्ति ज्ञान का जनक ले लो, ठीक है। अनादि संज्ञा निष्ठ या शक्ति है ना, तस्या शक्त्या ग्राहकम, ठीक है। अनादि संज्ञानिष्ठ या शक्ति ही तस्या शक्त्या ग्राहकम माहेश्वर सूत्रम। हो गया ना। अनादि संज्ञानिष्ठ या शक्ति ही तस्या शक्त्या ग्राहकम माहेश्वर सूत्रम। अतः माहेश्वर सूत्रम संज्ञा सूत्रम, अतः माहेश्वर सूत्रम संज्ञा सूत्रम। ये माहेश्वर सूत्र क्या मानेंगे? संज्ञा, संज्ञा है ना। ये सब संज्ञा सूत्र होगा। समझ में आया? मतलब क्या हुआ? शक्ति बोध का कारण है, शक्ति बोध का कारण है। शक्ति कहाँ है? संज्ञा में है। अण संज्ञा, असंज्ञा, हल संज्ञा, ये संज्ञा है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अच है, अच नाम है, संज्ञा है, उसमें शक्ति होगी। संज्ञी कितने हैं?
औच जो संज्ञा है उसके संगी कितने हैं? आठ है कि नौ है? नौ है ना, है ना। तो शक्ति कहाँ रहेगी? संज्ञा में रहेगी। वो शक्ति ज्ञान का जनक माहेश्वर सूत्र और ई वो सब नहीं जानोगे फिर इसमें शक्ति है कैसे कहोगे? संज्ञा में हो गया, इसलिए माहेश्वर सूत्र क्या बोलते हैं? संज्ञा सूत्र कहते हैं, बराबर है। अथवा ऐसे भी समझ लो कि अ ये साधु है, ई साधु है, ऊ साधु है, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो साधु शब्द का ही उच्चारण किया जाता है क्या? साधु शब्द का उच्चारण किया जाता है, असाधु शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता है, ऐसा महावाच्य करने का धर्म है कि नहीं? इसलिए शब्द में जो साधुत्व है ये साधुत्व का विधायक होगा यह माहेश्वर सूत्र, ऐसा भी महावाच्यकर का कहना है। ठीक है, इसलिए साधुत्व विधायकत्व न माहेश्वर सूत्रम विधि सूत्रम, लिखो। क्या समय? साधुत्व विधायकत्व न माहेश्वर सूत्रम विधि सूत्रम। ठीक है, क्या कहेंगे? विधि सूत्रम। साधुत्व है ना, और ई ऊ में क्या है? साधुत्व है। क्या है? ओ बोलेंगे कि ओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं कि जैसे जल को जोल बोलना है, क्या जो उच्चारण साधु नहीं होगा? साधु मतलब कपड़ा पहनना साधु नहीं बोल रहा मैं। सही से उच्चारण अ को अ बोले कि ओ बोलेंगे तो वहाँ पर क्या हो? जल बोलते हैं कि जोल बोलते हैं? कहाँ पर? वो उधर बंगाल तरफ क्या बोलते हैं? जल नहीं बोलते हैं, जोल बोलते हैं। अ को क्या बोलते हैं? हाँ वही तक ये जानेंगे जो तिरुमान जी उधर जाते हैं तो जानेंगे। तो अ को तो अ बोलना है, ओ क्यों बोलना है? नहीं हाँ जैसे कि ब्रह्मा ह पहले के म पहले है, बहुत जगह पर क्या बोलते हैं? म पहले बोलते हैं। क्यों? क्या है ना, तो मनन प्रत्यय करोगे तो ब्राह्मण बनेगा, तो म पहले है कि ह पहले है? ब्रह्मा पहले क्या बोलते हैं कुछ लोग? ब्रह्मा म को पहले बोल देते हैं कि ह पहले कि म पहले है? वो तो भाषा प्रांतीय भाषा में कुछ ही बोले, लेकिन संस्कृत में तो पहले ह बोलना है कि पहले म बोलना है? पहले है। पूर्वाहार न क्या बोल रहे हैं? न पहले कि ह पहले है? पूर्वाहार न मध्यान्ह तो अन्न आदेश हो जाता है जी। तो चलो बात तो ठीक, इसी प्रकार से हाँ ये विधा हो गया ना, अ इत्यादि में जो साधुत्व है इस साधुत्व का विधायक कौन हो जाएगा? माह सूत्र। इसलिए माह सूत्र को क्या बोलेंगे? विधि सूत्र बोलेंगे। विधि सूत्र दो प्रकार का हो गया, संज्ञा सूत्र भी कह सकते हो और विधि सूत्र भी कह सकते हैं, हो गया। अच्छा हाल अंत्यम चल रहा है तो हाँ ये जो शुरू में है ना, इति माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानी, थोड़ा हम पूछते हैं बिना देखे बताना। अनादि संज्ञार्थानी, अनादि संज्ञार्थानी, इसमें क्या समस्या है? बोले जो त्रिमन है क्या समस्या है? समास क्या है बोलिए आप लोग? हाँ बहुव्रीहि समास है, तो कैसे होगा बहुव्रीहि समास का विग्रह? अनादेय संज्ञार्थानि यस्य,
अनादेय संज्ञार्थानि यस्य तानि अनादेय संज्ञा बोले अनादि संज्ञा अर्थ समझ में कि ये साम तानि अनादि संज्ञार्थानि अर्थ मतलब प्रयोजन अर्थ मतलब प्रयोजन अनादि संज्ञा अर्थ ये साम तानि अनादि संज्ञार्थानि हो गया ये सब दिया है पहले से तो कल का ही पूछ रहा हूँ मैं परसों का ठीक है अच्छा और कोई समास हो सकता है और कोई समास हो सकता है एक तो बहुव्रीहि समास हो गया जी। और कोई संगमास हो सकता है बोलो ऑनलाइन वाले बोलो पूछ रहा है बोलिए कोई राजू नहीं मान जी नहीं कर्मधारय कर्मधारय कहाँ से आ गया नहीं आप बताइए जोगिनी जी बताइए सुन रहे हैं ना नहीं सुन रहे सुन रहे बहुवरी तो हाँ सुन रहे बहुवरी तो है ये और कोई चतुर्थी तत्पुरुष है क्या तत्पुरुष है चतुर्थी तत्पुरुष है ठीक है हाँ अनादि संज्ञाभ्यः ठीक है इमानी इति अनादि संज्ञार्थानि कल का नहीं है वो तो है ही ना देखो लिखा है ना हाँ देखो ये दिया होगा ना कहाँ दिया है सात नंबर पृष्ठ में देखो दिया है दो प्रकार दिया है अनादि संज्ञा अर्थः प्रयोजनम ये साम तानि हो गया सात नंबर देखो पृष्ठ में तत्वबोधिनी में दूसरी पंक्ति अनादि संज्ञा अर्थ अर्थ मतलब प्रयोजनम ये समतानी अनादि संज्ञा संज्ञार्थानी कौन सा समास हुआ बहुव्रीहि अनेक अनेकमन्य पदार्थ है कि नहीं दूसरा है अनादि संज्ञाभ्य इमानी देखो ये दूसरा विग्रह हो गया यहाँ पर क्या समास हुआ चतुर्थी तत्पुरुष समास किस सूत्र से समास होता है चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही एक नहीं है ना हाँ सूत्र बोलो बलहित सुख रक्षित ही समास होता है लेकिन अर्थ सुबंधक समास हो रहा है इसलिए नित्य समास करना होगा है ना वार्तिक इस सूत्र के संदर्भ में ही वार्तिक है ना अर्थेना नित्य समासो विशिष्य लिंगता चिति वक्तव्यम है कि नहीं ये वार्तिक है बोलो वार्तिक बिना देखे वक्तव्यम ठीक है तो ये है इसलिए यहाँ पर क्या होगा नित्य समास जब करोगे तो अशपद विग्रह होगा स्वपद विग्रह नहीं होगा क्या होगा स्वपद विग्रह नहीं होगा अशपद विग्रह होगा बराबर है इसलिए तो वार्तिक बनाया विशेष लिंगता बोल दिया ठीक है लिंग इसका विशेष के अनुसार होगा पहले माहेश्वराणी बोल दिया ना पहले नपुंसक हो गया माहेश्वर है कि नहीं माहेश्वराणी सूत्राणी इसका विशेष विशेषण हो गया अनादि संज्ञार्थानि ओके कि नहीं नपुंसक हो गया अच्छा आगे चलो तत्वबोधिनी में देखो भाई पहला सूत्र क्या है अलंत्यम है कि नहीं एसाम सूत्राणाम अंत्या इसके ऊपर कह रहे देखो एसाम अंत्यायित मूल में देखो एसाम अंत्यायित ये हो गया क्या कि तत्वबोधिनी नहीं पढ़े थे नहीं पढ़े थे तत्वबोधिनी देख लो तो एसाम सूत्राणाम अंत्या णादयो चौदह सूत्र के अंतिम कितने हैं वर्ण चौदह हो गए तो अनादि कितने हो गए चौदह हो गए णादयो हलंत्यम इति अनुपदम वक्षमाणेन इत संज्ञकाः इत्यर्थ ये सूत्र आएगा हलंत्यम अभी है ना हलंत्यम एक ही पद है
दो प्रकार ये अर्थ करेंगे, है ना, कि जो अभी आने वाला जो पद है ठीक, जो उसमें कहा जाएगा कि हलंत्यम सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी, ये संज्ञा हो जाएगी किसके, अनादि, कितना अनादि है, 14, 14 जो अनादि है उसकी संज्ञा होगी किस सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से, बराबर है। अच्छा तो उसमें जो कहा लण मध्ये, ये लण सूत्रे अकारश्च, है कि नहीं, तो अनादि तो है ये संज्ञक, लण में जो अकार है वो भी क्या है, ये संज्ञक। तो टीका में अनंतत्वात् पृथक्युक्ति, ये तो ऐसा मंत्य ही तो बोल दिया, फिर अलग से कह दिया लण सूत्रे अकारश्च, तो अलग कहने का क्या प्रयोजन है, क्यों कहा अलग, क्योंकि लण में जो अकार है अंत्य नहीं है, अंतिम वर्ण नहीं है, कौन, लण में जो अकार, लकार उत्तरवर्ती अकार क्या नहीं है, इसलिए अलग से कहा, क्या अलग से कहा, लण सूत्रे अकारश्च, समझ में आ गया। अच्छा वचन विपरिणामेन इति संबध्यते, देखो मूल में एषाम अंत्य इतः, जो इत है ना, ये इतः में क्या वचन है, विभक्ति वचन क्या है, षष्ठी नहीं, प्रथमा का बहुवचन इतः, इत इतौ इतः, इत शब्द याद है, हम पहले लघु पढ़ाते थे इत शब्द पहले याद कराते हैं, इत शब्द हो ना तो मरुत शब्द हो इत शब्द का उच्चारण ये शब्द रूप पहले होना चाहिए, इत शब्द हो तो नहीं तो मरुत शब्द हो, बोलो इत शब्द। इता ईद भ्याम द होगा, हाँ ईद भ्याम, ईद भी आगे, क्या बोल रहे हैं सप्तमी क्या है, इति है ना, इति इतो हो इत्सु, तो है कि द है, तो है ठीक है तो हे इत, हे इतो, हे इतः तो यहाँ पर जो इतः है ऐसा मंत्या इतः, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, बहुवचन है ना, इसका आगे अन्वय करना है लण सूत्रे अकारश्च, अकार कितना है लण में जो अकार है, एक है ना, तो एक है तो बहुवचन का प्रयोग होगा कि एक वचन का होगा, एक लण सूत्रे अकारश्च इतः बोलना होगा कि इत बोलना होगा, ईद बोलना होगा, इसलिए इत का जो अन्व करना है अकारश्च के साथ क्या बदल करके, वचन को बदल करके, हो गया ना, ऐसा मनता इत, क्योंकि अंतिम वर्ण कितने हैं, 14, इसलिए वहाँ पर तो बहुवचन कह दिया इत, लेकिन लॉर्ड में जो अकार एक है इसलिए इसको एक वचन में बदलना है, लण सूत्रे अकारश्च क्या बोलेंगे, अकार क्या है, इत, ये लण सूत्रे अकारश्च इत, ऐसा अन्व करना है, आया पकड़ में कि नहीं आया, चलो। अच्छा जी तो लण में जो अकार है इसकी इस संज्ञा हलंतम से होगी नहीं होगी, क्योंकि लण में अकार अंतिम नहीं है और हल भी नहीं है, क्या हल भी नहीं है समझ में कि नहीं है, ऐसा है। अच्छा चलो इसलिए किससे करोगे उपज, हाँ देवली का आगे, इस संज्ञा च अस्य, अकार की जो इस संज्ञा है उपदेशे जो नासिक इत इति अनेन, इस सूत्र से इस संज्ञा होगी, हो गया ना, एवं च णादिभिर आदिरंतेन इति वक्षमाण प्रत्याहार ग्रहणात् अनादि संज्ञार्थनीति यदुक्तम तत्संगच्छते इति भाव, है ना, तो देखो अण प्रत्याहार करोगे ना, अण प्रत्याहार अच प्रत्याहार जो करोगे, प्रत्याहार किससे होता है, आदिरंतेन सहेता, ये सूत्र आगे आएगा, इसलिए वक्षमाण बोल दिया, वक्षमाण मतलब कहे जाने वाले आगे, है ना, तो प्रत्याहार का ग्रहण होता है कि नहीं, ज्ञान होता है प्रत्याहार, प्रत्याहार नाम संज्ञा है कि नहीं, इसलिए ये जो माहेश्वर सूत्र है ना, माहेश्वर सूत्र ना हो तो अनादि संज्ञा हो पाएगी, प्रत्यय नहीं हो पाएगा,
इसलिए कहते हैं अनादि संज्ञार्थानी, अनादि संज्ञार्थानी का नहीं माहेश्वर सूत्राणी। ये जो कहा गया मूल में यदुक्तम, ऐसा जो कहा गया है, कहाँ पर कहा गया है मूल में, मूल में कहाँ पर कहा गया मूल में, भट्टोजी दीक्षित ने कहा, भट्टोजी दीक्षित आचार्य ने जो कहा वो ठीक ही है, हो गया इति भाव, ये अभिप्राय है। अकार उच्चारणार्थ बोल दिया, लण में अकार किसके लिए है, उच्चारण के लिए। बोलते हैं कि जो है लण में अकार बोल दिया, हकार आदि में, हकार आदि में अकार किसके लिए है, उच्चारण के लिए, बराबर है। और लण में अकार उच्चारण के लिए, उच्चारण के लिए है कि नहीं है, नहीं है, उच्चारण के लिए भी है और संज्ञा के लिए भी, दोनों के लिए है। उच्चारण के लिए तो है ही, है कि नहीं, और किसके लिए है, मुख्य प्रयोजन इस संज्ञा है और अवान्तर प्रयोजन उच्चारण, दोनों के लिए मान लो, ऐसा नहीं कि उच्चारण के लिए नहीं है। केवल उच्चारण का नहीं बोल सकते हो, इस संज्ञा के लिए है, है ना। देखो आगे लिखें, न तो लण सूत्रस्थ अकार इव प्रयोजनार्थ इत्यर्थ। लण सूत्र में जो अकार है ना, उसका जैसे प्रयोजन है, कौन सा प्रयोजन है, प्रत्याहार करना, प्रत्याहार करना है कि नहीं। लण में जो अकार है उसकी संज्ञा हुई, इस संज्ञा का प्रयोजन है कि नहीं, प्रत्याहार, र प्रत्याहार होगा, क्या प्रत्याहार होगा, र प्रत्याहार, वो जैसे प्रयोजन है, किसका प्रयोजन, लण में अकार का, सुनते हो ना, ऐसा प्रयोजन हकार आदि में अकार का नहीं है, आगे समझ में कि नहीं। न तो लण सूत्रस्थाकार इव प्रयोजनार्थ इत्यर्थ, हो गया ना। प्रयोजनार्थ न तो प्रयोजनार्थ कह, बोलो बोलो, हकार आदिशु अकार, हकार आदिशु अकार, हकार आदि में जो अकार है न तो प्रयोजनार्थ, प्रयोजन के लिए नहीं है, हाँ उच्चारण के लिए तो है ही, लण सूत्र में जो अकार का जैसा प्रयोजन है ऐसा प्रयोजन नहीं है, आया पकड़ में, ये समझ करके रखना है। अच्छा आगे बढ़े, हलंत्यम आ गया, कल इसके ऊपर विचार कर रहे थे, है ना, हलंत्यम तो कहते हैं अंते अवसारे भवम इति अंत्यम, टीका में जो है ना, है ना, अवसाने बोल दिया ना, क्योंकि मूल में जो है हलंत्यम कह दिया, क्या कह दिया, देखो लघु में कैसा मालूम है, लघु में वृत्ति कैसी है, उपदेश अंत्यम अलिश्यत, ऐसा अर्थ है ना, ऐसा अर्थ यहाँ पर बाद में करेंगे, शुरू में नहीं करेंगे, शुरू में दूसरा करेंगे। देखो शुरू में लिखा है हल अंत्यम, हल इति सूत्रे अंत्यम इत्याद, ऐसा कि नहीं, ऐसा अर्थ है लघु में नहीं है, नहीं है तो यहाँ पर है, ऐसा अर्थ करते तो क्या होता है बताओ, ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया वहाँ पर, अरे इस संज्ञा की बात नहीं, ऐसा अर्थ लघु में क्यों नहीं किया है, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, अरे लघु तो लघु है ना, है ना, लघु तो लघु है, इतना लघु होने पर भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और इतना यदि विस्तार कर देंगे तो पढ़ेंगे। क्यों भाई, इतना छोटा होने पर भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और ऐसा विस्तार कर देंगे तो माथा गर्म हो जाएगा, तो उसको फिर कौमुदी नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, कौमुदी नहीं बोलेंगे, कौमुदी मतलब क्या, चांदनी है कि नहीं, संताप को कहाँ दूर किया फिर, है ना, इसलिए परम लघु करना चाहिए इसका नाम आजकल, क्या करना चाहिए, परमो लघु सिद्धांत कौमुदी, छोटा कर देना चाहिए, नहीं ऐसा लोग बोलते हैं आजकल, समझा थोड़ा छोटा करिए। कुछ लोग बोलते हैं कोई लिखे तो अच्छा है छोटा करके। कितना छोटा करेंगे, परम लघु सिद्धांत कौमुदी है, अच्छा हो सकता है, हाँ इसलिए ये कर दिया वो आप लोगों के लिए, है ना। वो तो अलग चीज़ है।
बड़े विलक्षण है आजकल। और लोग बोलते भी है सब पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं नहीं रख चते डोक्रिया कर ले। चलो भैया, अरे अरे व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा आपको समझ में नहीं आएगा, ब्रह्म सूत्र ही समझ में नहीं आएगा, तत्त्वमसि नहीं आएगा हैं। अच्छा आगे चलो, तो ऐसा यहाँ पर जो कर दिया सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, ऐसा इसलिए किया वाक्यर्थ ज्ञान है पदार्थ ज्ञानम कारणम, वाक्यर्थ ज्ञान है पदार्थ ज्ञानम कारणम, ये नियम है ना। तो क्योंकि आदि देखो इस संज्ञा करोगे ना, लोग में दिया हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलिष्यत, उपदेश अंत्यम हलिष्यत ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो इस संज्ञा करता है सूत्र है ना, किसकी संज्ञा करेगा अंतिम हल की, है कि नहीं। तो हल है ना, तो हल हो गया पदार्थ, ये पूरा वाक्य हो गया नहीं, उपदेश अंत्यम फलिष्यात ये वाक्य हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो वाक्यर्थ बोध के लिए पदार्थ ज्ञान क्या होता है, कारण होता है, समझ में कि नहीं। तो वाक्य तो पूरा हो गया, वाक्य घटक पद हो गया हल, ये हल शब्द का क्या अर्थ है, हल शब्द हो गया पद उसका क्या अर्थ है ना, क्या अर्थ है। यदि ज्ञान न हो तो सूत्र अर्थ का ज्ञान होगा नहीं पाएगा, है ना। तो हल पदार्थ का ज्ञान के लिए किसके पास जाओगे, हल पदार्थ का ज्ञान के लिए किसके पास जाओगे, किस सूत्र के पास जाओगे, आदिरंतन सहित के पास जाओगे ना। हल क्या है, प्रत्यय है ना, हल प्रत्यय क्या है, तो किसके पास जाओगे समझने के लिए, आदिरंतन सहित के पास जाओगे। हाँ वो बोलेगा कि अंतेन इता सहित आदिर, ऐसे बोलेगा ना, अंतिम इत हो गया कौन, हल प्रत्यार के लिए अंतिम इत क्या चाहिए, लकार, लकार का ज्ञान है, लकार इत है, ये ज्ञान हो तो प्रत्यार होगा, कैसे होगा प्रत्यार, कैसे नहीं होगा ना, लकार को ईद बोलते हैं, ऐसा यदि ज्ञान ना हो तो हल प्रत्यार का ज्ञान होगा नहीं होगा, है वो तो बोलेगा तुम पहले उसके पास जाओ, किसके पास जाओ, हलंतम के पास जाओ बोलेगा, ये भेजेगा उसको और वो भेजेगा इसको, नहीं भेजेगा सच में कि नहीं आया। तो लकार का ज्ञान के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, हलंतम के पास जाना पड़ेगा, और हल का ज्ञान के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, एक दूसरे को दौड़ाते रहेंगे, एक दूसरे के पास नहीं दौड़ाते रहेंगे, इसको कहते हैं अनन्यास रह दोष हो गया, क्या दोष हो गया, अनन्यास रह दोष हो गया ना, आए पकड़ में। इसलिए अनन्यास रह दोष को निवारण करने के लिए ये हलंत्यम को दो बार आवरण करते, आवृत्ति करते, आवृत्ति कर देंगे दो बार उच्चारण, इसको कहते हैं तंत्र, क्या कहते हैं तंत्र बोलते हैं, क्या कहते हैं है ना, लिख लो तंत्र क्या होता है, सकृत उच्चरितत्व सति, सकृत उच्चरितत्व सति, सकृत उच्चरितत्व सति अनेकार्थ बोधजनकत्वम, अनेकार्थ बोधजनकत्वम, लिख दिया क्या लिखा बोलो, सकृत उच्चरित हलंत्यम तो एक बार उच्चारण किया है ना सूत्र में, एक बार उच्चारण किया गया है, लेकिन उसके अर्थ को समझने के लिए जानने के लिए क्या करना चाहिए, दो बार उच्चारण करना, ठीक है ना। सकृत उच्चरित सती अनेकार्थ बोधकत्वम, अनेक अर्थ बोध जन करता, अनेक अर्थ का बोध हो जाएगा, अनेक अर्थ का बोध हो जाएगा, अनेक अर्थ का दो अर्थ यहाँ पर बोध होगा, संतो भाई जी। इसको कहते हैं तंत्र, क्या बोलते हैं तंत्र, ये हलंत्यम ये तंत्र है, इसको तंत्र बोल रहे हैं, ये तंत्र शास्त्र नहीं बोल रहे यहाँ पर, ठीक है, ये आपको संक्षेप से बोल दिया। इसलिए दिया है यहाँ पर देखो,
कहाँ पर दिया है? तत्वबुद्धि में दिया, देखो है ना, हलंत्यम बोल दिया। तो हलंत्यम को पहले एक सूत्र करना है, एक पद करना है, एक सूत्र एक पद करना है। हलंत्यम है ना, उपदेश से अंत्यम, हले अंत्यम कहा यहाँ पर, क्या कहा? अंत्य शब्द का पहले अर्थ बताते, अंते अवसाने भवम अंत्यम है ना, अंतम अवसान है ना, अवसान में जो हो उसको क्या बोलेंगे? अंत्यम कहेंगे। यत प्रत्यय होगा, दिगादि व्यश्च, देखो दिया यहाँ पर दिगादित्वाद यत है ना, अंत शब्द से कौन सा प्रत्यय किया? यत, यत प्रत्यय कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अंत्य है ना, अवसान में रहने वाले को क्या बोलेंगे? अंत्य, ठीक है। इसलिए माहेश्वर सूत्र में अंत्य कितने हैं? 14 है अंत्य, समझ में आया? हाँ, तो उपदेशे जौनासिक ईत इत्यत उपदेशे इति ईत इति च अत्र अनुवर्तते, लघु में दिया है कि नहीं है ना? हाँ, क्या दिया है यहाँ पर? हाँ, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सूत्र में उपदेशे नहीं है, ईत नहीं है, इसकी अनुवृत्ति दूसरे सूत्र से करनी होगी। किस सूत्र से लाओगे? उपदेशे जौनासिक ईत, यहाँ पर आएगा, हो गया ना? अच्छा, तो इसको तंत्र मानना होगा सूत्र को, क्यों? आदिरंतेन इति सूत्रेण सह अनन्याश्रयम आसंख्य, ये देखो अनन्याश्रय दोष हो जाएगा ना, क्या दोष हो जाएगा? इस अनन्याश्रय दोष को हटाने के लिए आवृत्या, इसको तंत्र मान करके आवृत्या दो बार उच्चारण करना होगा, हलंत्यम हलंत्यम, समझ में आया? आवृत्या तम परिहरति, तत्व में देखो तम परिहरति, उसका परिहार करते हैं, किसका पद तम से क्या लेंगे? हाँ, अनन्याश्रयम, तम का मतलब अनन्याश्रयम परिहरति, अनन्याश्रय नामक जो दोष है उसका परिहार करते हैं। मूल में आया, देखो मूल में देखा जाए, हलिति सूत्र पाँच नंबर पृष्ठ में दिया है ना, हलंत्यम, हलंत्यम जो एक पद हुआ पहला जो है ना, पहला जो है ना व्याख्यान करना है उसमें एक पद हलंत्यम है ना, प्रथमा का एक वचन हलंत्यम, प्रातिपदिक क्या है? हलंत्य, हलंत्य, हलंत्य का प्रथमा एक वचन क्या बनेगा? हलंत्यम, ठीक है। इति सूत्रे अंत्यम इत्याद, क्या दिया है? अंत्यम इत्याद, जो अंतिम वर्ण होगा उसके क्या करेंगे? तो अंतिम वर्ण कितना है? अब नहीं समझ रहे हो ठीक से, इसका ठीक नहीं सुन रहे हैं, क्या बोलते हैं? हलिति सूत्र, हल इस सूत्र में अंतिम वर्ण कितना है? 14 कैसे हुआ? लघु का संस्कार है ना, हल इस सूत्र में, हल इस सूत्र में अंतिम वर्ण कितना है? एक ही है। कौन है एक? लकार, उसकी संज्ञा करेगा, ये पहला अर्थ है हलंत्यम सूत्र का, पहला अर्थ है, ठीक है। हल इस सूत्र में, हल इस सूत्र में कितने थे? लकार, लकार जो अंतिम वर्ण है उसकी संज्ञा हो रही है, किस सूत्र से हो रही है? हलंत्यम सूत्र से, पहला जो आवर्तन किया ना इसका ये अर्थ हुआ, हल इस सूत्र में है ना लकार की क्या होगी? इस संज्ञा होगी, ये समास किया है, सप्तमी तत्पुरुष को लो अथवा षष्ठी तत्पुरुष को लो, दिया यहाँ पर तत्वोदन में दिया, देखो पन्ना पलट दो छः नंबर पृष्ठ में, छः नंबर पृष्ठ क्या नहीं, सात नंबर अंतिम में, देखो सात नंबर के सबसे अंतिम में, हली अंत्यम इति विग्रहे है ना, हाँ हली अंत्यम, ये समास हो रहा है, देखो किस सूत्र समास होगा मालूम है? सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, सप्तमी सोंडे ही, क्या सूत्र? तो ये जो हलंत्यम, ये तो सप्तमी, ये सोंडादिगण में नहीं है, सोंडादिगण भी नहीं है तो समास कैसे होगा? दिया है देखो,
सप्तमी योग विभाग आते, ये सप्तमी सुंडी है ना, इसको योग विभाग करते अलग अलग कर देते हो, सप्तमी को अलग करते हैं, सुंडे ही को अलग करते हैं, क्या इसको कहते हैं योग विभाग। योग विभागात इष्ट सिद्धि ही, इष्ट की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए, योग विभाग, योग विभाग करके इष्ट की सिद्धि की जाएगी। सर्वत्र ऐसे तोड़ना नहीं, ई को नचे में ई को अलग विभाग है, यण अलग है, औच ऐसा नहीं। यहाँ पर जहाँ पर इष्ट की सिद्धि करनी हो वहाँ पर सूत्र को क्या करते हैं, विभाग करते हैं, क्या करते हैं, जैसे आतो धातु आया लोग में, आतो धातु, आतो को अलग करते हैं, धातु को अलग करते हैं, समझ में ना। ठीक इसी प्रकार से सप्तमी सौंडे में सप्तमी को अलग करते हैं, सौंडे ही को अलग करते हैं, सुनते हो ना। इसलिए जो नीचे दिया है सौंडे ही, मतलब सौंडादि गणपति के साथ सुमंत के साथ सप्तमी सुमंत का क्या होगा, समास होगा। अब पहला जो विभाग किया सप्तमी, पहला विभाग ना सप्तमी, वो सौंडादि गणपति न होने पर भी सप्तमंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा, सुनते हैं ना। तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष हो गया हलंत में, हली अंत्यम, हल इस सूत्र में जो अंतिम वर्ण लकार, ऐसा अर्थ होगा, सुनते हो ना। ऐसा लो, अरे क्या समझा, विग्रह बताया आपको, हलंत में विग्रह करोगे हली अंत्यम, सप्तमी तत्पुरुष करोगे ना, हली आगे अंत्यम है ना, तो हल गी अंत्यसु ऐसे विग्रह होगा, समझ में कि नहीं जी। क्या अलौकिक विग्रह, हल गी अंत्य सु, तो विग्रह क्या होगा, अलौकिक विग्रह, हली अंत्यम, हली हल का हली होगा ना, सप्तमी एक वचन हली अंत्यम, समझ में कि नहीं है। अथवा सुपसुपा इति वा समास, एक सुपसुपा सूत्र से भी समास हो जाता है, अथवा षष्ठी तत्पुरुष करने से भी कोई विरोध नहीं है। यदवा षष्ठी तत्पुरुषो अयम, क्या करेंगे, मतलब क्या होगा, हलह अंत्यम, क्या करेंगे, हलह अंत्यम, हल सूत्र का, ऐसा अर्थ भी निकल जाएगा, क्या निकलेगा, हलह मतलब हल सूत्र का जो अंतिम वर्ण है लकार, उसकी क्या होगी, ये संज्ञा होगी, ये अर्थ निकल जाएगा, समझ में आएगी नहीं। हली इति सूत्र से अंत्यम इति व्याख्यान समय, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो लकार का आपको ज्ञान हो गया, लकार का ज्ञान हो गया ना, किसका ज्ञान हो गया, लकार का ज्ञान हो गया, ठीक है। तो लकार का ज्ञान हो जाने पर प्रत्यार हो जाएगा, प्रत्यार हो जाएगा, आदिर अंतन से तय हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा, देखो कौन है भैया, मीट कर लो, ये हो गया मूल में, देखिए मूल में चले, हलंत मिति उपदेश अंत्यम हली सियात, ये संज्ञा सूत्र हो गया, क्या सूत्र हो गया, संज्ञा सूत्र हो गया है ना। संज्ञा, संज्ञा है और संगी है, संगी ईत हो गया यहाँ पर, क्या है, संज्ञा, ठीक है, ईत हो गया संज्ञा, संगी कौन, इस संज्ञा किसकी हुई, लकार की, संगी हो गया लकार, पहला अर्थ है, और ईत हो गया संज्ञा, संज्ञा में शक्ति होती है, क्या है, संज्ञा में शक्ति होती है, ठीक है ना, अपने अर्थ को बोध कराने की शक्ति, जैसे घट शब्द में शक्ति होती है ना, घट पदार्थ को बोध कराने की, समझ में कि नहीं, ठीक है। इसलिए उसका ग्राहक होता है सूत्र, है कि नहीं, समझ में कि नहीं, क्या, इसलिए साक्षात शक्ति ग्राहकत्वम, लिखो संज्ञा सूत्र से लक्षणम, ऐसा करना है, ठीक है, साक्षात शक्ति ग्राहकत्वम, क्या, साक्षात शक्ति ग्राहकत्वम संज्ञा सूत्र से लक्षणम,
साक्षात शक्ति ग्राहकत्वम संज्ञा सूत्रस्य लक्षणम। परंपरा से नहीं, साक्षात पद पदार्थ का संबंध को कहते हैं शक्ति। ठीक है, शक्ति का साक्षात बोधक कौन होगा? संज्ञा सूत्र होता है, इसको कहते हैं संज्ञा सूत्र। लोगों में ज़्यादा क्लिष्ट करोगे ना तो फिर जो है नहीं समझ में आता ना लोगों, छात्र को। इसलिए लोगों तो लोगों के रूप से पढ़ाना भी चाहिए, लोगों को लोगों के रूप से पढ़ाना चाहिए। ये सब छेड़ोगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, माथा गर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। कोई भी ग्रंथ हो, जैसा मतलब जिस प्रकार सामर्थ्य है ना उसी प्रकार करना चाहिए। ठीक है, संबंध पद पदार्थ का संबंध को कहते हैं शक्ति। वो शक्ति का साक्षात ग्राहक बोधक होता है संज्ञा सूत्र, सुनते हैं ना। तो हल अंतम न होता तो हल सूत्र में लकार की संज्ञा का ज्ञान होगा आपको? लकार ईत है ऐसा ज्ञान होगा? नहीं हो पाएगा। ये साक्षात ग्राहक हो गए कि नहीं हो गए? कौन? संज्ञा सूत्र है कि ना, अथवा संज्ञा संज्ञी बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्र में ऐसा भी कह देते हैं। बिना के विधायक, विधायक बोलो है कि नहीं। वो तो वो क्या है कि वो विधि हो गया, वो क्या हो गया? विधि हो गया, है ना। ये शक्ति ज्ञान का ये जनक होता है, साक्षात होगा। परंपरा से नहीं, परंपरा से तो विधि सूत्र भी हो जाएगा है कि नहीं, अन्य सूत्र भी परंपरा से हो जाएगा, लेकिन संज्ञा सूत्र साक्षात होता है, परंपरा से नहीं होता है। ये सब ऊपर ग्रंथ में विचार होता है कि नहीं। चलो, जैसे मैं लोगों पढ़ते हैं तो अरे भाई यही तो व्याकरण का और क्या व्याकरण लेकिन ऊपर ग्रंथ पढ़ोगे तो बहुत विचार होता है, स्पष्टीकरण होता है। इसलिए स्पष्टीकरण करने के लिए ऊपर ग्रंथ पढ़ा जाता है। और सामान्य रूप से तो लघु बहुत है, अब परम लघु सिद्धांत को मतलब वो भी बहुत है चलो आगे बढ़ें। हल अंत्यम उपदेश अंत्यम हलिष्य आदि पहला इन्हें कहाँ चला गया अभी? आधिर अंत्यन पांच नंबर पृष्ठ है। आधिर अंत्यन सहेता पढ़ो। अंत्यन इता सहित आदिर पढ़िए। मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। इस सूत्र में कितने पद जानते हैं आदिर अंत्यन संहिता में? तीन पद है, चार पद है। आदि ही अंत्यन सह इता, चार पद हो गया है ना। तो आदि प्रथमांत अत्यन तृतीयांत सह अव्य इता तृतीय है, इत का इता बनेगा, ठीक है ना। इसका वृत्ति कह दिया अंत्यन इता सहित, है ना। अंत्यन का अन्न कर लो किसके साथ? आदि के साथ, है ना। अंत्यन का अन्व इता के साथ होगा, अंत्य इद वर्ण के साथ। क्या? अंत्य इद वर्ण के साथ। हलंत्यम में लकार की संज्ञा का ज्ञान हुआ आपको जी। है कि नहीं जी। तो आदि वर्ण कौन हो गया? लकार हो गया। आदि वर्ण कौन हो गया? लकार हो गया। लकार बोलो क्या होगा? अंतिम वर्ण कौन हो गया? लकार नहीं हुआ हलंत्यम में? आदि नहीं बोल रहे, अंतिम वर्ण आदि बोल दिया, बोलते बोलते हो गया। तो अंतिम वर्ण कौन है? लकार है ना। हलंत्यम में अंतिम वर्ण हो गया लकार, हो गया उसके साथ। आदि वर्ण कौन है? हयवर्ण का हकार ले लो। क्या? हाँ, हयवर्ण का हकार ना। तो अयुण जो लेंगे तो अकार भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अकार भी हो जाएगा ना। नहीं, हल प्रत्यय यदि करना आपको, हल प्रत्यय यदि करना है, कौन सा प्रत्यय? तो कहाँ से लेंगे हल प्रत्यय करने के? तो हकार को लेंगे। अंतिम ईद वर्ण हो गया लकार, लकारेण सह आदि ही कौन है? हकार। ओके कि नहीं? ये क्या हो गया? संज्ञा, इसको बोलेंगे संज्ञा। अंतिम इद वर्ण हो गया लकार, हवरण के अकार हकार को लेंगे तो क्या हो जाएगा? हल हो गया ना। पंक्ति देखो, अंतेन इता सहित,
अंतिम इद वर्ण हो गया लकार, उस है ना, और आदि वर्ण कौन हो गया? हकार। ये जो शब्द रूप हुआ हल, इसको कहते हैं क्या? संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? हल संज्ञा। इसको प्रत्याहारी बोलते हैं, है कि नहीं? हल आदि को बोलते हैं प्रत्याहार, ये सब आएगा आगे, ठीक है ना। लेकिन संज्ञी कौन होगा? तो कहते हैं देखो, मध्यगानम क्या है? मध्य तिष्ठन्ति थी मध्यगाः, मध्य में रहने वाले को बोलते हैं मध्यग, है कि नहीं? तो मध्य का कितने हो जाएंगे? लाल लकार छोड़ दो, हकार छोड़ दो, मध्य में कितने होंगे? वहाँ पर हॉबी तो आएगा, कितने आएंगे? हाँ, यदि हकार छोड़ देंगे तो 32 होगा, है कि नहीं? नहीं तो कितना होगा? 32 हो जाएगा। तो मध्य का हो जाएंगे 32, और स्वयं कौन हो गया? ह, 32 1 33, ये 33 हो जाएंगे संगी, समझ में आया? और संज्ञा कौन? हल। हल हो गया संज्ञा, है ना, और 33 हो जाएंगे संगी, समझ में कि नहीं? ठीक है, दोनों का संबंध होता है, इसका बोधक होता है सूत्र आदिरंतन संहिता, जो प्रत्यार होगा, सुनते हो? ठीक है, तो आदिरंतन संहिता जो सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र की विधि सूत्र है। बोलिए, संज्ञा सूत्र की विधि सूत्र है, बोलो कौन सा संज्ञा करेगा? हल, आज, हल, ये सब करेगा, ठीक है। हाँ, इतना हो गया। इति हल संज्ञायाम, ये देखो, मतलब इस सूत्र से हल संज्ञा हुई, मतलब हल प्रत्यार जो है संज्ञा हुई, बात समझ में आई? इसलिए अनुनासर दोष नहीं होगा। कौन सा विधि करेंगे? नहीं नहीं, संज्ञा सूत्र करना यहाँ पर, है ना। इति हल संज्ञा बोल रहे कि नहीं? देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इति हल संज्ञायाम, हल संज्ञा हुई, हो गया। चलो, तो अब हल संज्ञा का जब ज्ञान हो गया तो फिर क्या होगा? हल अंत्यम से क्या हो जाएगा? फिर अंतिम हल जितना भी है ना, उसकी क्या हो जाएगी? इस संज्ञा हो जाएगी। अब हल का ज्ञान हो गया ना, है ना, हल का ज्ञान अब हो गया, ठीक है। तो हल का ज्ञान के लिए क्या चाहिए था पहले? लकार की संज्ञा। तो लकार की संज्ञा ज्ञान हो गया किस सूत्र से? पहली आवृत्ति से। हल इस सूत्र में जो लकार है, लकार की क्या होगी? इस संज्ञा होगी। तो लकार का ज्ञान होने के बाद इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई आदिरंतन संहिता से, है कि नहीं भाई? ऐसा करते हैं, ठीक है। ये दूसरी आवृत्ति, हाँ, है ना, पहली आवृत्ति अलग है, पहली आवृत्ति अलग हुई, उसका अर्थ अलग हुआ कि नहीं हुआ? उच्चारण किया ना, हलंत्यम हलंत्यम। तो पहली जो आवृत्ति हुई उसका अर्थ क्या था, बोलो? किस सूत्र में? किस सूत्र में अंतिम वर्ण की संज्ञा किया पहला आवर्तन में? हाँ, हाल ये सूत्र जो है अंतिम, उस सूत्र में जो लकार है उसकी संज्ञा किया पहली आवृत्ति में, जी। है ना, पकड़ में है कि नहीं? ऐसा कह रहे हैं। लो, हल प्रत्यार कहाँ कह रहा है आपको? हाल इस सूत्र में प्रत्यार कहाँ बोल रहे हो? प्रत्याहार किए बिना ही बोल रहे हो, पहली आवृत्ति में प्रत्यार की कोई जरूरत नहीं है। हाल इस सूत्र में जो लकार है ये बोल रहा है, पर हाल प्रत्यार नहीं बोल रहा हो पहली आवृत्ति में, समझ में कि नहीं? ठीक है, चलो आगे। तो हलंत्यम ये दूसरी आवृत्ति है, इसका अर्थ करेंगे उपदेशे अंत्यम हलिष्या, यही लघु में दिया आप लोगों को पुस्तक में, देख लें लघु में, यहाँ तो हुआ। अच्छा, उपदेश का भी ज्ञान होना चाहिए, ये पूरा हो गया वाक्य, उपदेशे अंत्यम हलिष्या, ये वाक्य घटक जो उपदेश है, इस उपदेश पद का क्या अर्थ है, मतलब पदार्थ क्या है उपदेश पदार्थ, इसका यदि ज्ञान ना हो तो वाक्य अर्थ बोध होगा नहीं होगा, इसलिए कहते उपदेश पदार्थ, इसको कहते उपदेश आद्य उच्चारणम, बोलो। तो आदि जो पुरुष है कौन?
पाड़ने आदि इत्यादि है ना, उसके द्वारा जो कहा गया है ठीक है ना, उसको कहते हैं आद्योच्चारणम। उसका नाम क्या होता है? उपदेश। और आपके लोगों में दिया है ना धातु सूत्र गणन आदि दिया है, यहाँ पर ही बाल रूप में कहीं दिया होगा, दिया है यहाँ, इधर दिया है, नौ नंबर दिया है ठीक है ना। उपशब्द आद्यर्थक उपदेश, यहाँ उपशब्द का अर्थ होगा आदि, नौ नंबर दिया है, देखो बालराम में दिया है। अधिशिर उच्चारण क्रियायाम, देश धातु का अर्थ होगा उच्चारण करना ठीक है, और देश धातु से भाव अर्थ में घय कर लो ठीक है, तो क्या बन जाएगा? उपदेश बन जाएगा ठीक है। तो उपदेश आद्य उच्चारणम कहाँ पर लिखा है? उपदेश इत्यादि सूत्रे है ना, भाष्य स्पष्ट्यम उपदेश जौनासिक इति है कि नहीं सूत्र, इस सूत्र का जो महाभाष्य है महर्षि पाणिनि है वहाँ पर ऐसा कहा गया है कि नहीं। और प्राचीन ग्रंथ में सुनो, प्राचीन ग्रंथ में ये है श्लोक धातु सूत्र गौण आदि, ये प्राचीन ग्रंथ में ठीक है ना, लेकिन प्रौढ़ मनोरमा एक ग्रंथ है, भट्टोजी दीक्षित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी ठीक है ना, और स्वयं भी इसका व्याख्यान किया है, कौन? भट्टोजी दीक्षित, उसको कहते हैं प्रौढ़ मनोरमा, क्या बोलते हैं? उस प्रौढ़ मनोरमा में इसके ऊपर दोष दिया है, किसके ऊपर? ये धातु सूत्र गौण आदि इसको जो उपदेश कहते हो ये ठीक नहीं है, इसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।